Hey guys, this is Mukul Sharma के StuffListings. Xiaomi ने finally अपना CC9 Pro और अपना Mi Watch और अपना Mi TV 5 launch कर दिया and I thought let's not cover the tech news today and इन्हीं तीन devices के बारे में आज बात करते हैं. So हम start करते हैं सबसे पहले Mi CC9 Pro smartphone के बारे में and before starting the video, if you're new to the channel, don't forget to subscribe to StuffListings. So starting things off with the CC9 Pro. CC9 Pro एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसके बारे में बहुत लोग इसको पसंद करेंगे और बहुत लोग इसको नहीं पसंद करेंगे because of a lot of reasons. First of all, let's start with the price of this device. मैंने कुछ टिप किया था around $2699 के आसपास इसका बेस वेरिएंट हो सकता है. थोड़ा सा महंगा निकाला है कंपनी ने $2799 का. That is अगर इंडिया में लॉन्च होता तो around 28,000 रुपए का ही इंडिया में लॉन्च होगा. बहुत अच्छा एक प्राइस सेट किया है कंपनी ने कंसीडरिंग द फैक्ट दैट इट हैज अ 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर और 5 कैमरास हमें पीछे देखने को मिल रहे हैं एंड इट्स अ वेरी गुड कैमरा स्मार्टफोन. सो कैमरा की जहां तक बात की जाए उस हिसाब से द CC9 Pro इज अ वेरी गुड स्मार्टफोन. मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं प्राइसिंग के साथ ही. सो जो 6GB 128GB वेरिएंट है CC9 Pro का दैट इज बीइंग प्राइस्ड एट $2799. जो 8GB 128GB वेरिएंट है उसको हमें 3099 युआन का चाइना में हमें देखने को मिलने वाला है एंड जो 8GB 256GB का वेरिएंट है वो हमें चाइना में मिल रहा है युआन 3499 का. सो अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है दैट इज गोइंग टू बी प्राइस्ड समवेयर अराउंड 36,000 रुपीस. सो इस प्राइस रेंज में ये बहुत सारे स्मार्टफोन्स के साथ कम्पीट करने वाला है. बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये K20 Pro को कि भाई सेल्स डाउन कर सकता है बट ऐसा नहीं होने वाला है. K20 Pro की एक अलग स्पेसिफिकेशंस है, एक अलग यूएसपी है दैट इज the Snapdragon 855 chipset. जबकि CC9 Pro is not a power-centric smartphone, it's a camera-centric smartphone by all means. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस फोन की डिस्प्ले के साथ. तो the CC9 Pro comes with a 6.47 इंच OLED डिस्प्ले. एक हमें कर्व डिस्प्ले को देखने को मिलती है एंड courtesy of all the leaks and rumors and what not हमें पहले ही पता था कि इसकी डिस्प्ले कैसे देखने को मिलने वाली है. कर्व डिस्प्ले है, वाटर ड्रॉप नॉच है इसमें. जो हमारी वाटर ड्रॉप नॉच है उसमें हमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है यहाँ पे. सो एक OLED डिस्प्ले है दैट सडनली मींस कि जो हमारा ऑलवेज ऑन लॉक स्क्रीन फीचर्स जो भी नए कंपनी ने लॉन्च किए थे अलॉन्गसाइड द MIUI 11 वो हमें CC9 Pro में भी देखने को मिलने वाले हैं. तो स्पीकिंग ऑफ MIUI 11 द CC9 Pro कम्स विद MIUI 11 आउट ऑफ द बॉक्स. Of course, Android 9 Pie पे ही बेस्ड है अभी as of now, but definitely CC9 Pro में हमें Android 10 बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा. प्रोसेसर की बात करते हैं यहाँ पे. तो जो CC9 Pro है it comes out with the Qualcomm Snapdragon 730G chipset. So एक अच्छा mid range हमें इसमें SoC देखने को मिलने वाला है. Again, it's not a flagship processor by any means. 730G chipset ऑलमोस्ट मिड रेंज स्मार्टफोन्स में हमें देखने को मिलता है और बहुत सारे लोग इसको भी कह रहे हैं कि ऑलरेडी की ओवरप्राइस्ड है. 30,000 का 28,000 रुपए का फोन लॉन्च कर रहे हो 730G के साथ. बट अगर आप इसको कंपेयर करें Oppo Reno 2 स्मार्टफोन के साथ तो Oppo Reno 2 भी अराउंड 37,000 रुपए का हमें मिल रहा है और उसमें भी यही चिपसेट देखने को मिलता है. बट पीपल आर स्टिल बाइंग दैट Oppo Reno 2 बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट ऑफर्स अ वेरी गुड कैमरा सेंसर. सो अगर कैमरा की बात की जाए तो अगर कंपेयर करो आप इसको Oppo Reno 2 के साथ so it has a very better camera in my opinion. 5 हमें कैमरास देखने को मिल रहे हैं. so this smartphone can compete with the likes of the Huawei P30 Pro here when it comes to the camera features here. so I don't think कोई एक comparison करने की बात है यहाँ पे कि K20 Pro है या OnePlus Seven है, OnePlus 7T है, जो भी है ये स्मार्टफोन एक अलग नीश को देख के बनाया गया है जो कि एक कैमरा सेंट्रिक जो भी हमारी ऑडियंस है उनके लिए बनाया गया है and I believe the price is very rightly put here. बैटरी की जहां तक बात की जाए तो CC9 Pro में हमें 50 to 160 mAh बैटरी देखने को मिलती है. alongside that we get 30 watts of fast charging. so that ensures that the CC9 Pro will definitely charge completely within 65 minutes. so 65 minutes that is 1 घंटा 5 मिनट में हमें ये फोन 0 से 100% चार्ज हो जाएगा. of course अभी तक हमें इंडिया में ये स्मार्टफोन नहीं मिला है so we cannot actually test it on in practical life but जो कंपनी क्लेम कर रही है वो है कि भी 65 मिनट्स में हमें फोन कंप्लीटली चार्ज होकर मिल जाएगा. so that is not a bad charging by any means. so 65 watt super VOOC charging is already there introduced with the Oppo Reno Ace. so Xiaomi ने इतना ज्यादा भाई बड़ी गेम नहीं खेली यहाँ पे कि भाई 70 watt या 100 watt कुछ चार्जिंग निकाल देंगे. एक नॉर्मल एक बहुत मॉडेस्ट चार्जिंग है दैट इज 30 watts and in my opinion ये एक अच्छी खासी चार्जिंग हमें देखने को मिलेगी इस CC9 Pro के साथ. अब बात करते हैं इस फोन के इंडिया में लॉन्च होने की. बहुत सारे चैनल्स में ऑलरेडी इसको एज अ क्लिकबेट यूज करना शुरू कर दिया कि भाई CC9 Pro इज द एक्चुअल पोको सक्सेसर. अब CC9 Pro इंडिया में एज अ पोको F2 आता है या एज Mi Note 10 आता है इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है. कंपनी ने कुछ इसके बारे में रिवील नहीं किया है एंड जहां तक मेरे लीक्स की बात है आई विल डेफिनेटली टेल यू वन थिंग दैट Xiaomi एक इवेंट करने वाली है दिसंबर तक. उसके अलावा अभी कंपनी ने कुछ भी कंफर्मेशन नहीं किया कि इसमें हमें एक स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, टीवीज देखने को मिलेंगी या स्मार्ट वॉच देखने को मिलेगी. बट जहां तक मेरे सोर्सेज की बात है सो व्हाट आई हैव हर्ड सो फार इज I don't know anything about the CC9 Pro whether it will launch in India in 2019 or not. But the Mi Watch and the Mi TV 5 lineup of televisions could launch very well in 2019 itself. हो सकता है हमारा जो अगला Xiaomi का लॉन्च इवेंट आ रहा है उसमें मी स्मार्ट वॉच और हमारा जो मी टीवी है, हमारा जो 5th सीरीज आई है, वो दोनों हमें देखने को मिल सकते हैं। CC9 Pro के बारे में अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। जहां तक बात करते हैं पोको की, पोको F2 या पोको G1 या जो भी स्मार्टफोन पोको का आने वाला है उसमें हमें मोर और लेस CC9 Pro की जो स्पेक्स हैं वही देखने को मिलने वाली हैं। अब ये कब लॉन्च होता है उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट स्पेसिफिकेशंस वाइज अगर देखें तो काइंड ऑफ यू कैन टेक इट एज एन अनकंफर्म्ड लीक दैट द CC9 Pro इज मोर और लेस गोइंग टू बी रीब्रांडेड एज द अपकमिंग पोको स्मार्टफोन। अब बात करते हैं मी वॉच की। Xiaomi ने अपना फर्स्ट एवर स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दिया विद द नेम मी वॉच। सो जो Xiaomi का मी वॉच है उसका प्राइस रखा गया यहाँ पे युआन 1299। बहुत सारे फेमस लीक्सर्स या बहुत सारे मीडिया पर्सनल्स ने कल बात किया था कि ये 500 युआन के आसपास लॉन्च। मैंने कल ही आपको बता दी थी कि युआन 1299 इसका प्राइस हो सकता है एंड डेफिनेटली 100% कन्फर्म्ड है अब कि युआन 1299 में ही हमें मी वॉच देखने को मिलेगी। इसका एक और वेरिएंट कंपनी ने लॉन्च किया है जो कि एक मैंने पोस्ट की थी एक फोटो कुछ दिन पहले। That variant doesn't have a lot of other features. The only difference here is the fact that rather than using a simple rubberized fluoride band, it makes use of a stainless steel strap here. So उसके अलावा ज़्यादा कुछ फीचर्स में डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा हमें। So if this particular smart watch launches in India, I believe जो हमारा 13,000 रुपए का वेरिएंट होगा वही बहुत ज़्यादा बिकेगा यहाँ पे। स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो Mi Watch comes with a plethora of features. First of all उसमें eSIM कैपेबिलिटी है, आप इसमें 4G सिम चला सकते हैं। सो हम स्पेसिफिकेशंस अब शुरू करते हैं मी वॉच की। सबसे पहले हम डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे 1.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसके साथ हमें 326 पिक्सल्स पर इंच पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलती है। सो इतने छोटे डिस्प्ले में अगर हमें 326 पीपीआई अगर पिक्सल डेंसिटी मिल रही है, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डेंस एंड वेरी क्रिस्प डिस्प्ले इन माई ओपिनियन। अगर हम फ्रेम की बात की जाए यहाँ पे तो 44 mm का हमें फ्रेम देखने को मिलता है। एक ही फ्रेम जो हमारा डायमेंशन है उसमें इस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। So we cannot complain much here. 44 mm is the standard size when it comes to smartwatches. So this is what we are getting with the Mi Watch. Other than the display, जो rest जो उसकी हमारी Mi Watch की body है, that is made up of ceramic. कंपनी ने आज इसको confirm कर दिया है। Now talking about the processor of the Mi Watch comes forward with a Qualcomm Snapdragon VR 3100 chipset. जो एक VR हमारी जो smartwatches होती है उनके लिए Qualcomm का एक अलग ही एक lineup है chipsets की। So 3100 जो हमारा chipset है वो ये smartwatch use कर रही है। Alongside that we have a very big 570 mAh बैटरी, 570 mAh हमारी बैटरी इसमें देखने को मिलने वाली है एंड कंपनी कह रही है कि भाई ये 36 घंटे का हमें टॉक टाइम देगा। सो जैसे कि एक नॉर्मल स्मार्ट वॉचेस होती हैं एक दिन में निकाल देता तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब कंपनी कह रही है कि 36 घंटे का हमें बैटरी बैकअप देने वाली है ये वॉच। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्ट वॉच होने वाली है एंड बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाली है एंड आई मेक श्योर दैट आई एटलीस्ट परचेज दिस वॉच। अगर मेरे को रिव्यू यूनिट नहीं भी मिलती इस वॉच को तो मैं परचेज करने वाला हूँ। 12-13 हज़ार रुपए में एक अच्छी मॉडेस्ट प्राइस रेंज में वॉच लॉन्च हो रही है इंडिया में। स्टैंडर्ड कनेक्टिविटी ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं। NFC है यहाँ पे, ब्लूटूथ 4.2 सपोर्ट है, वाईफाई है, GPS है इस वॉच में, क्या नहीं है इसमें। एंड MIUI हमारा स्टैंडर्ड स्किन इसमें यूज हो रहा है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो कवर की थी अपने CC9 Pro और Mi Watch के बारे में। इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस कार्ड अबव एंड उसके जितनी भी स्पेसिफिकेशंस थी मैंने वहां पे भी लीक की थी। सो उस वीडियो में मैंने कहा था कि जो हमारा Mi Watch होगा वो MIUI ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करेगा एंड गूगल वियर OS पे नहीं रन करेगा। दैट इज नॉट द केस हियर। आज XDA डेवलपर्स ने एक नई रिपोर्ट लॉन्च की है उसमें वो बता रहे हैं कि भाई MIUI की खाली स्किन है यहाँ पे। एक्चुअली में अगर हम उसका कोर देखा जाए तो हमारा वियर OS ही है यहाँ पे एंड वियर OS के ऊपर हमारा MIUI फॉर वॉच करके एक नया स्किन कंपनी ने लॉन्च किया है वो रन कर रहा है। दैट सर्टेनली मींस दैट ऑल द अदर गूगल एप्स एज वेल एज द अदर एप्स व्हिच आर अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले स्टोर कैन डेफिनेटली बी इंस्टॉल्ड ऑन द Mi Watch एज वेल। ये सारी जितनी भी एप्स हैं इनकी तो हम बाद में बात करेंगे कि भाई फोन बंदा वॉच खरीदेगा उसके बाद एप्स इंस्टॉल करेगा जो भी है सारा कुछ। बट कंपनी ने एक चीज का ध्यान रखा है कि भाई आपको राइट फ्रॉम द फर्स्ट बूट आपको जो एसेंशियल एप्स हैं वो आपको शुरू से ही आपको Mi Watch में देखने को मिलेंगे। सो द कंपनी हैज प्री इंस्टॉल्ड अप टू 40 एसेंशियल एप्स लाइक all the fitness related apps and Google Keep and Maps and whatnot, NFC payment apps, ये सारी एप्स आपको प्री इंस्टॉल्ड Mi Watch में देखने को मिलने वाली है। ये तो थी बात भाई हमारी Mi Watch की। हमारा Mi Watch 1299 युआन का हमारा चाइना में लॉन्च हो रहा है, बहुत जल्दी ग्लोबल भी लॉन्च हो सकता है। बट एक प्रॉब्लम बहुत सारे फॉलोअर्स ने मेरे को कहा कि भाई एप्पल वॉच को कॉपी कर रहे हैं, उसका जो हमारा डायल है वो हमारा स्क्वायर शेप्ड है एंड इट एक्चुअली लुक्स मोर और लेस लाइक द एप्पल वॉच। अगर आप इस चीज़ से खुश नहीं है, अगर आप कहते हैं कि भाई मेरे को एक राउंड वॉच चाहिए था जैसे ये जो मैंने पहन रखा है, अगर आपको इस टाइप का एक वॉच चाहिए Xiaomi की तरफ से एक नई रिपोर्ट निकल के आएगी भी Xiaomi इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन द प्रो वेरिएंट ऑफ द Mi स्मार्ट वॉच। सो Mi स्मार्ट वॉच या Mi Watch Pro एक बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, 1-2 महीने में लॉन्च हो जाएगा एंड that particular variant of the Mi Watch will not have a square shaped dial, it will actually have a round shaped dial। अब उसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसमें एक्स्ट्रा क्या होने वाला है। अब प्रो है तो हो सकता है हमें प्रोसेसर बड़ा मिल जाए, रैम ज़्यादा मिल जाए या कुछ नए फीचर्स एडिड हो जाए इसमें। प्रो का ये मतलब नहीं हो सकता कि भाई खाली उन्होंने उसको डायल को चेंज कर दिया और बोल दिया कि भाई ये प्रो है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी द केस। सो मी वॉच प्रो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। अगर आपको एक स्क्वायर शेप का वॉच पसंद नहीं है, अगर आप वेट कर सकते हैं थोड़ा, तो आई सजेस्ट दैट यू गो फॉर द मी वॉच प्रो। एंड मी वॉच प्रो अभी लीक स्टेज में है कि लीक्स बहुत सारे उसके निकल के आ रहे हैं। आज ही मैंने लीक किया था कि भी उसका एक राउंड शेप हमें एक डायल देखने को मिल सकता है। मैंने नहीं लीक किया था, आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर अ वेबसाइट एंड मैंने वहाँ पे लिखा है उसके बारे में। इफ यू वांट टू चेक दैट आउट, आई डेफिनेटली गिव यू द लिंक डाउन बिलो एंड यू कैन रीड दैट एंटायर आर्टिकल देयर। सो मी वॉच प्रो की जहाँ तक हम बात करते हैं तो दिसंबर के एंड तक या फिर 2020 की बिगिनिंग में ये हमें देखने को मिल सकती है। अभी के लिए मेरी प्रेडिक्शन ये है कि जब हमारा K30 सीरीज लॉन्च होगी, K30 और K30 Pro हो सकता है दिसंबर में हमें देखने को मिल जाए। ऑफ कोर्स बहुत अच्छे स्मार्टफोन होने वाले हैं, वो दोनों भी 5G कंपैटिबल होंगे, ड्यूल 5.16 में उसमें डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, बहुत अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है एंड K20 को बहुत अच्छा एक सक्सेसर मिलने वाला है फ्यूचर में। सो हो सकता है हमारा K30 Pro की सीरीज के लॉन्च इवेंट के टाइम ही हमें Mi Watch Pro भी देखने को मिल जाए। सो एज ऑफ नाउ दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम द Xiaomi साइड। CC9 Pro इज अ वेरी गुड स्मार्टफोन, Mi Watch is a very good smartwatch and Mi TV 5 जो हमारी सीरीज लॉन्च हुई है that has the company's first ever QLED display and prices भी कुछ अच्छे रखे गए हैं। 40,000 रुपए के आसपास हमें Mi TV 5 देखने को मिल सकता है इंडिया में। So as far as Xiaomi is concerned, it has taken the day by a storm today। बहुत अच्छे products launch किए आज कंपनी ने। And if you cannot wait for the Mi Watch Pro, you can definitely opt for the Mi Watch Standard. But in my opinion, you should wait it out for 1 or 2 months and K30 सीरीज को लॉन्च होने दीजिए। उसके साथ ही हमारा Mi Watch Pro हो सकता है देखने को मिल जाए एंड आप तब आपके पास दो ऑप्शंस होंगे कि आपने Mi Watch खरीदनी है या Mi Watch Pro खरीदनी है। So there you go guys, this is all regarding the CC9 Pro, the Mi Watch as well as the Mi TV 5. I hope you liked the video. If you did like the video, don't forget to like, share and subscribe if you haven't already. God bless you all. Peace.